कांग्रेस लीडर और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को तेलंगाना रियासत के दूसरे चीफ मिनिस्टर बनने का एजाज हासिल होने जा रहा है। उन्होंने एक किसान के घर में जन्म लिया। रेवंत रेड्डी की पैदाइश 8 नवंबर 1969 को हुई थी। उन्होंने नागर कर्नूल जिले के कोंडा रेड्डीपल्ली गांव में जन्म लिया था। तालिबे इल्म के दौर में वो एबीवीपी से वाबस्ता रहे। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। रेवंत रेड्डी साल 2006 में मैट्रिक मंडल के ZPTC रुकन बने और साल 2007 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मजालिस मुकामी इदारों के MLC के तौर पर मुंतखब हुए। बाद हज़ार तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल हो गए। इसी तरह उन्होंने कोडंगल असेंबली हलके से साल 2009 के असेंबली इंतखाबात में तेलुगुदेशम पार्टी से MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की और 2014 में दूसरी बार MLA के तौर पर जीत हासिल की। उन्होंने साल 2014 से 2017 के दरमियान तेलुगुदेशम पार्टी के कारगुजार सदर रहे और अक्टूबर 2017 में TDP से इस्तीफा दे दिया। साल 2017 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साल 2018 में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर की हैसियत से खदमात अंजाम दी। दिसंबर 2018 के असेंबली इंतखाबात में कोडंगल से मुकाबला किया था और शिकस्त हुई। बाद हज़ार मल्काजगिरी लोकसभा से मुंतखब हुए और PCC सदर बने और सिर्फ 17 साल की सियासी जिंदगी में चीफ मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंच गए।